अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो हमारा मौजू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और दैट इज़ आज हम जो बाइनरी ट्रीज अब तक हमने पढ़ी हैं उसकी यूजेस पे बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में स्पेशली कहाँ कहाँ पर ये जो है इस्तेमाल होती है हमारी बाइनरी ट्री, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो इसका इस्तेमाल जेनेरिक है, रियल लाइफ में बहुत सी जगहों पर ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, वो तो हम उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन विद इन कंप्यूटर साइंस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सी जगहों पे हमें ये काम देता है, फ़ायदे देता है। आज हम वो कुछ देखने की कोशिश करेंगे, कुछ उसकी मिसालें, कुछ उसकी जो एप्लीकेशन हैं विद इन कंप्यूटर साइंस वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम मिसाल डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट एक्सप्रेशन ट्रीज, एंड एक्सप्रेशन ट्रीज आर मोर जनरल पार्स ट्रीज, जनरल ट्री होती हैं ये। और जनरल ट्री में याद रखें कि जनरल ट्री में बाइनरी ट्री की तरह का तस्वर नहीं होता कि जनाब आप कहें कि जनाब जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक ट्री बाइनरी ट्री में हमेशा दो चाइल्ड होते हैं, या फिर कोई चाइल्ड एक चाइल्ड होता है किसी, या दो चाइल्ड होते हैं किसी नोड के, और या किसी का कोई चाइल्ड नहीं होता, नल होते हैं। जनरल ट्री में ये रूल नहीं होता। जनरल ट्री में देर इज़ नो लिमिट ऑन चाइल्ड्स, ठीक है ना जी, देर कैन बी अनलिमिटेड चाइल्ड्स। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो फिर एक अलग एक मौजू है। अगर हमें कभी वक्त मिला तो हम जनरल ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर भी कभी बात करेंगे। अगर हम बाइनरी ट्री से ज़रा फारिग हो गए और इसकी ऑल पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशंस और इसकी ऑल पॉसिबल फॉर्म्स को हमने देख लिया, तो इंशाल्लाह हम फिर जनरल ट्री की इम्प्लीमेंटेशन और उसके ऊपर भी कुछ रोशनी डालेंगे और उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो एक्सप्रेशन ट्रीज होती हैं हमारी, ये जनरल पास ट्रीज होती हैं, एंड दे आर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर कंपाइलर्स। कंपाइलर के अंदर जो है ना आपकी एक्सप्रेशन ट्रीज यूज़ होती हैं, और ये जितने एक्सप्रेशन आप लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में उसके बैक एंड पे एक एक्सप्रेशन ट्री जनरेट होता है। अब वो कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। एंड कंपाइलर्स यूजुअली ट्रांसफॉर्म दिस हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज। कंपाइलर का क्या काम होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को जैसे C++ है उसको किसी असेंबली लैंग्वेज में मैप करता है उसके कोड को, और फिर असेंबलर उठाता है उसको और उसको ट्रांसफॉर्म करता है मशीन लैंग्वेज में। तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है ना वो असेंबली लैंग्वेज में आता है कोड, और फिर असेंबलर उसको उठा के 0110 की ज़बान में मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जीरोज एंड वंस। मशीन आपकी फॉर वाइल लूप स्विच इन स्टेटमेंट को वो नहीं समझती, उसके बैक एंड पे 0110 की फॉर्म में उसको समझ आती है कि व्हाट डू यू मीन। सो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, मशीन लैंग्वेज जो होती है दिस इज लो लेवल मशीन जो होती है उसको ये अंडरस्टैंडेबल होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट फिर वो गेट्स होते हैं, आपने सब कुछ DLD वगैरह में सारी बातें पढ़ी होंगी। सो लेट्स कंसिडर द एक्सप्रेशन ट्री। वो कहता है एक्सप्रेशन ट्री मिसाल के तौर पे आप C++ में कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आप कहें कि Z इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट और सेमी कॉलम लगा दें, तो ये एक जेन्युइन स्टेटमेंट बन जाएगी। किसी भी C++ में आप लिख सकते हैं ये मतलब वेरिएबल्स। अगर आप देखें तो वो कहता ये कि ये जब आप एक्सप्रेशन, ये जब आप एक C++ में एक ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसके बैक एंड पे ये ट्री जनरेट होता है, और ये बाइनरी ट्री इसलिए है क्योंकि इसमें आपने बाइनरी ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। यानी बाइनरी ऑपरेटर उसको कहते हैं जिसके ऑपरेंड दो होते हैं। ये देखें जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं उनके ऑपरेंड्स दो हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जो ऑपरेंड एक है। अगर ऑपरेंड एक होगा तो फिर उस बाइनरी ट्री में उस ऑपरेंड के अगेंस्ट उसका एक चाइल्ड होगा, और अगर कोई भी नहीं होगा तो कोई चाइल्ड नहीं होगा। और अगर आपकी टर्नरी ट्री हो, बाइनरी ना हो, तो फिर उसमें टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ होगा, एंड सो ऑन। तो अब अगर आप देखें तो आप क्या करते होते हैं, आप चाहते हैं ना इसमें वो बाइनरी ट्री जो बैक एंड पे जनरेट हुई है उसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना जो इन्फोर्समेंट का कानून है कि जिसमें आप कहते हैं कि सबसे पहले आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं ना, इनर मोस्ट को, फिर इनर मोस्ट में भी जब स्टेरिक और प्लस का झगड़ा आता है तो सबसे पहले आप डी स्टेरिक ई सॉल्व करेंगे। तो इस ट्री के अगेंस्ट जो आपका डी स्टेरिक ई वाला पार्ट होगा वो ये है, ये पहले सॉल्व होगा, इससे रिजल्ट एक्स आया लेट्स से,
फिर वो रिजल्ट x जो है ना वो क्या होगा इवेंचुअली, वो प्लस होगा f के साथ, तो आपका इतना हिस्सा सॉल्व हो जाएगा एक्सप्रेशन का, यानी x का जो रिजल्ट होगा वो आपका f के साथ प्लस होगा, तो लेट्स से y रिजल्ट आ गया। फिर आप इस y रिजल्ट को जो यहाँ आ गया इसको स्टेरिक करेंगे g से, क्योंकि आपने ये ब्रैकेट सॉल्व अप करनी है। तो जब आप g से इसको स्टेरिक करेंगे तो इसके बाद आपका इतना ट्री सॉल्व हो जाएगा। तो y स्टेरिक g जब होगा तो उससे एक रिजल्ट आएगा, लेट्स से वो z आया, तो आपके इस पूरे हिस्से से z आ गया इस इतने हिस्से से। फिर z के बाद आप जब आएंगे ये फाइनल प्लस होगा, लेकिन इससे पहले चूंकि फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को फिर आप b स्टेरिक c करेंगे, तो ये ट्री आपकी b स्टेरिक c करेगी और लेट्स से p रिजल्ट आया, तो ये p रिजल्ट इस हिस्से में स्टोर हो जाएगा। और फिर फाइनली ये p जो है ना आपका जो है ना वो a के साथ प्लस होगा, तो ये p जो है ना इस a के साथ इस ट्री के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये जनाब इससे जनाब q एक लेट्स से वैल्यू आई, तो ये इससे p जमा a से a q आया, और फाइनली आप इस q और z रिजल्ट को प्लस करते हैं, यानी कि इस पूरी ट्री में q और z जो आपका निकला है उसको प्लस करते हैं। तो जब ये पूरी ट्री से एक रिजल्ट वैल्यू आ जाती है उसको आप रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में, लेट्स से t में, तो वो इसमें आके स्टोर हो जाती है और सेमी कॉलन। तो असल में आपके बैक एंड पे ये जो एक्सप्रेशन आप किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं उसके बैक एंड पे ये एक्सप्रेशन ट्री जनरेट होता है, जिसको आप कहते हैं टेक्निकली एक्सप्रेशन ट्री, ठीक है ना जी। तो अब ये एक्सप्रेशन ट्री को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ये आपके पास एक बाइनरी ट्री है। अब अगर बाइनरी ट्री आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता तो यू कैन नॉट राइट अ कंपाइलर, ये रिमेंबर, ये याद रखें, इफ यू कैन नॉट राइट अ कोड फॉर अ बाइनरी ट्री सो देन रिमेंबर दैट यू कैन नॉट राइट अ कंपाइलर। तो इसलिए बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर साइंस में बहुत जरूरी है, यू नीड टू राइट अ कोड टू इम्प्लीमेंट अ बाइनरी ट्री। इसी तरह एक्सप्रेशन ट्रीज आर जनरेटेड इनसाइड कंपाइलर्स, वो मैंने बता दिया एज इन प्रीवियस एग्जांपल। अनदर यूजेज जो है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जब आप एम एस एक्सेल में जाते हैं वहां पर एक फॉर्मूला आप लिखते हैं सेल में, देखें एक्सेल जब आप खोलते हैं तो उसके बैक एंड पे आप देखते हैं ना, वो जब एक्सेल में आप जाके लिखते हैं ऊपर फॉर्मूला में इक्वल टू ए फाइव जमा ई थ्री ऐसे लिखते हैं ना, तो वो क्या करता है वो ए फाइव सेल में जो वैल्यू पड़ी होती है उसको ई थ्री सेल में जो वैल्यू पड़ी होती है उसको जमा करके जो रिजल्ट जिसमें सेल में आपने ये फार्मूला लिखा होता है उसमें रिजल्ट आके स्टोर हो जाता है इन दोनों से। तो इस इधर भी आप एक पेचीदा फार्मूला बहुत लिख सकते हैं, उसके बैक एंड भी आपके क्या जनरेट होता है यही एक्सप्रेशन ट्री जो बैक एंड पे आपने लिखा है। तो आपके कंपाइलर में भी ये यूज होता है, आपके एक्सेल वगैरह में या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं या अकाउंटिंग के जितने सॉफ्टवेयर हैं उसके बैक एंड पे भी जनाब आपके ट्री जनरेट होता है। तो ये आज आपको ट्री की अफादियत या ट्री के एप्लीकेशन विद इन कंप्यूटर साइंस में आपको समझा रहा हूँ। अब आ जाए जी कंपाइलर में। कंपाइलर में आपने जिन लोगों ने थोड़ा सा कंपाइलर का कोर्स पढ़ा हो तो उन्होंने एक नाम सुना होगा उसमें CFG का, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG। अच्छा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसे कहते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इसे कहते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, जैसे हम कहते हैं वो आया, अंग्रेजी में कहते हैं ना या उर्दू में कहते हैं वो आया, तो वो आया से मतलब ये है कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए आपने, कि आपने हामिद के बारे में बात की है, तो अब जब आप हामिद के बारे में बात की है और आगे 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 जाके आप कहते हैं कि वो आया कहते हैं ना, तो अब आपको ये समझ आ जाती है कि ये हामिद के बारे में कहा गया है कि वो आया, तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बात हुई, पीछे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है ये बात, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री जो है ना होती, जो लैंग्वेज होती हैं वो पीछे डिपेंडेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप फॉर लूप जब लिखेंगे तो फॉर का एक सेंटेक्स है, अब आप ये फॉर है ना आप ये नहीं कह सकते कि पीछे अगर आपने ऐसा कोड लिखा होगा तो फॉर का मतलब ये हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर के पीछे मैंने कोड कुछ इस तरह लिखा हो एक्स अल्फा बीटा गैमा तो फिर फॉर का मतलब चेंज हो गया, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में जनाब कभी भी वो किसी पिछले कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती,
स्विच आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्विच का मतलब चाहे जो भी हो जाए वो हमेशा ऑलवेज सेम, ठीक है ना जी, इसका हमेशा मतलब एक ही होगा। ये पीछे किसी या आगे किसी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, इट नेवर डिपेंड्स, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट पे नेवर डिपेंड करती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं, ये जितनी भी ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारी प्रोग्रामिंग की, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ठीक है ना जी। इसलिए इसको, इसके लिए फिर इसके बैक एंड पे हमें क्या बनाना होता है, इसकी ये ग्रामर बनानी होती है, जिसको हम फिर टेक्निकली क्या कहते हैं, CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और ये आपने, जिन लोगों ने कंपाइलर का कोर्स पढ़ा होगा, कंपाइलर का, तो उसमें उन्होंने जो 7 फेजेज होते हैं कंपाइलर में, जिसमें फिर आपका लेक्सिकल एनालाइजर होता है, फिर सेंटेक्स एनालाइजर होता है, फिर पार्सर होता है, फिर सिमेंटिक्स एनालाइजर, फिर जनाब कोड जनरेटर, फिर ऑप्टिमाइजर, एंड होते होते मशीन लैंग्वेज में जाके आप उसको जनरेट करते हैं। वो 7 फेजेस होते हैं, लेकिन उसके बैक एंड पे भी सबसे पहले जो आपका 3rd फेज होता है ना, जिसमें पार्सर आपका बनता है, पार्स ट्री बनता है, वो जो पार्स ट्री बनता है उसकी छोटी सी मिसाल इसने इस स्लाइड में आपको दी हुई है, ये है। और ये आपका जनरेट होता है आपका CFG से। आप पहले लैंग्वेज की ग्रामर खुद डिफाइन करते हैं, अगर मैं एक लैंग्वेज आज डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं उसकी ग्रामर खुद डिवाइस करूँगा। आप अगर उस पर अंदर कोडिंग करेंगे कल कला को, तो आप जो ग्रामर मैंने डिफाइन की होगी, मेरे ग्रामर को अपने जहन में बैठा के लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इसने अभी देखें, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी है, ये पास्कल में यूजली ऐसे होता है कि पास्कल में जब आप असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो कॉलन इक्वल लिख के लिखते हैं। अब ये उसकी ग्रामर में ये चीज़ डिफाइंड है, ठीक है ना जी। तो आप ग्रामर में देखें, उसने ये इधर ये यूज़ किया हुआ है, ये ग्रामर के अंदर, ये आपने ना लिखा ऐसे तो वो पास्कल के इसको एरर कर देगा। और अगर आप पास्कल में ये इक्वल लिखेंगे ना, तो इसका मतलब वो कंपेरिजन ऑपरेटर लेता है फिर। जैसे C++ में अगर आप देखें ना, a इज इक्वल टू b लिखते हैं तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, लेकिन अगर आपने a और b कंपेयर करने होते हैं तो फिर डबल इक्वल टू आप लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि आप a और b कंपेयर कर रहे हैं कि ये बराबर हैं कि नहीं है। जैसे इफ में आप लिखते हैं इफ a इज इक्वल टू b, लेकिन अगर आपने इफ में a इज इक्वल टू b लिख दिया ऐसे, तो यह b की वैल्यू असाइन हो जाएगी a को, समझ आइए। तो ये पास्कल ऐसे नहीं करता, पास्कल कहता है ये कि जब आप इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं होगा, बल्कि ये इक्वल टू तसव्वुर करेगा, कंपैरिजन होगा कि आया ए प्लस बी स्टैटिक सी ए के बराबर है। और सेमीकोलन इक्वल टू का मतलब वो लेगा, वो जो C++ में आप सिंपल इक्वल से जो मतलब लेते हैं। अब क्या हुआ, अब आप कहेंगे कि ये क्यों, तो ये इसलिए कि जनाब पास्कल बनाने वाले ने अपनी जो लैंग्वेज डिफाइन की थी, तो उसकी CFG में उसने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बताया था कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए तुम ये ग्रामर यूज करोगे, ये उसूल यूज करोगे, और C++ वाले ने जो है ना अपनी ग्रामर बनाई थी। तो जाहिर बात है, जो लैंग्वेज बनाता है ना वो उसका ओनर होता है। अरबी जिसने बनाई है, वो अरबीदान जो होता है ना, वो उसका बनाने वाला है, वो उसके रूल्स बनाएगा, वो उसका जो है ना कस्टोडियन है। पश्तो बनाने वाले जो है ना पश्तो के कस्टोडियन है, उर्दू बनाने वाले उर्दू के कस्टोडियन है, ठीक है ना जी। और जो लोग वो जबान सीखते हैं, तो जबान सीखते जो है ना, उनके लिए ग्रामर बनाई जाती है। जिस बंदे की मादरी जबान होती है, याद रखें, उसके लिए ग्रामर नहीं बनाई जाती, वो तो बचपन से सीख के आता है। ये याद रखें, ग्रामर किसके लिए बनाई जाती है, जिस बंदे को जबान नहीं आती, ठीक है ना जी। रिमेंबर कि ग्रामर इज मेड फॉर नॉन नेटिव, या जिनकी पीपल जिनकी जबान नहीं होती वो। अब मिसाल के तो ये सेम अप्लाइज फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आप ये C++ है, ये आपने बचपन से तो नहीं पढ़ी, पास्कल आपने, प्रोलॉग आपने जो है ना कंप्यूटर की जो AI में बहुत यूज होती है, लिस्प आपकी बहुत यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब ये सारी लैंग्वेजेस जो है ना आपने यूज तो नहीं की, तो लिहाजा आप पहले इसकी लैंग्वेज सीखेंगे। जब आप इनकी लैंग्वेजेस सीख लेंगे, इनकी ग्रामर सीखेंगे, तो जब आप इनकी ग्रामर सीखेंगे तो देन आप इसके फिक्रे लिख सकेंगे, सेंटेंसेस लिख सकेंगे, ठीक है ना जी।
और सेंटेंसेस लिखने के बाद आप इनके जनाब स्टेटमेंट्स लिख सकेंगे, जिनको आप स्टेटमेंट कहते हैं। समझ आई ना? तो अब स्टेटमेंट या फिक्रे, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ही इज अ बॉय, तो आपका ये फिक्रा डॉट ऑपरेटर से खत्म हो जाता है, ये एक स्टेटमेंट है अंग्रेजी की, ठीक है। और इसी तरह सी प्लस प्लस की एक स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट वो क्या होगी, ए इज इक्वल टू बी स्टेरिक सी प्लस जी और सेमी कॉलन। तो यहां सेमी कॉलन निशानी है स्टेटमेंट खत्म होने की और वहां पे डॉट ऑपरेटर निशानी है स्टेटमेंट खत्म होने की। अब जाहिर बात है अगर आपने सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे बैठ के उसको स्टेटमेंट समझानी है तो यू हैव टू फॉलो दिस सेंटेंस, आपने इसकी सी एफ जी समझनी होगी पहले। और अगर आपने अंग्रेजी में किसी को बात समझानी है, किसी अंग्रेजी दान को, तो आपने इसके सेंटेक्स को फॉलो करना होगा, यानी आपने वर्ब यूज करना है, नाउन यूज करना है, आपने कॉमा यूज करना है, डॉट, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश यूज करना होगा, अदरवाइज अगले को समझ नहीं आएगी कि व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू आर राइटिंग। तो बार कैफ कहने का मकसद ये है कि ये एक सी एफ जी है और सी एफ जी जब आप लिखते हैं तो उसके बैक एंड पे एक पार्स ट्री बनता है, वो पार्स ट्री जो है उस पे फिर आप उस अपने जो है ना स्टेटमेंट को गुजारते हैं उन रूल्स पर से। और अगर वो जो है ना ये वाली स्टेटमेंट उससे निकल आए पार्स ट्री से करेक्टली उस ग्रामर के उसूलों पे, तो फिर आप कहते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मिसाल के तौर पे अभी मैं उस बहस में ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि कंपाइलर का कोर्स तो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, अगर कभी मैंने वो कंपाइलर आपको पढ़ाया तो फिर हम इस डिटेल में जाएंगे। मिसाल के तौर पे देखें, अब ये स्टेटमेंट है ये क्यों वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस पास्कल, क्योंकि इसकी पास ट्री पे ये पूरा उतरता है। देखें जरा, ए लेफ्ट टू राइट, आप इसके सारे लीव्स को रीड करें ना, तो देखें ए सेमी कॉलन फिर लेफ्ट टू राइट ये लीव, तो ए फिर प्लस फिर बी फिर स्टेरिक फिर सी, तो ये वही जनरेट होता है जो इसने लिखा है। तो अगर यूजर ने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा है तो फिर तो ये अकॉर्डिंग टू दिस पार्स ट्री ठीक है, तो लिहाजा दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेकिन अगर इसमें लेट्स से वो ये सेमी कॉलन, ये कॉलन खा लेता, ये प्लस खा जाता, और या ये कोई इक्वल खा जाता, तो यहाँ पे ये ट्री जनरेट ना हो पाती सही तरीके से अकॉर्डिंग। और ये रूल ये जनरेट किस होती, ये इन रूल्स के तहत होती, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ये रूल्स हैं, ठीक है, ये वेल डिफाइंड रूल्स हैं, ये पहले से आप लैंग्वेज बनाने से पहले आप डिक्लेयर करेंगे अपने रूल्स, यूजर को बताएंगे कि आपने इन रूल्स को यूज करके अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी। अगर आपने इन रूल्स को वायलेट किया तो मेरा पार्स ट्री नहीं सही जनरेट होगा, जब पार्स ट्री सही नहीं जनरेट होगा तो आपका कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा, जब एरर देगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो है ना कंपाइलेशन नहीं होगी और आपकी जनाब आपकी उस स्टेटमेंट पे एरर आएगा। इसीलिए जब आप C++ में जब कभी कोड करते हैं ना, और जब आप किसी लाइन पे जाते हैं और आप जनाब मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं Z is equal to X plus Y plus plus steric K is semicolon, तो यहाँ पे वो इस चीज़ की पार्स ट्री में कोई जनरेट नहीं कर पाता, इस तरह के तीन ऑपरेटर इकट्ठे कहीं भी उसको नहीं मिलते किसी भी कानून के तहत, उसकी ग्रामर में ये कहीं भी नहीं आता कि प्लस प्लस और स्टेरिक इस तरह कहीं इकट्ठा आ जाए, तो लिहाजा वो इस लाइन पे आपको एरर देता है। लेकिन अगर आप z इज इक्वल टू x प्लस y और फिर प्लस प्लस लिख के सेमी कॉलन कर दें तो इस पे कभी एरर नहीं देता वो, क्योंकि प्लस प्लस का ऑपरेटर आपने उसको डिफाइन किया हुआ है उसने अपनी ग्रामर में। समझ आ रही है? इसका मतलब होता है कि y को एक इंक्रीमेंट करो और फिर प्लस प्लस, ये इस प्लस का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट y को करके फिर x के साथ जमा भी कर दो और फिर रिजल्ट को x z में स्टोर कर दो। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये C++ के रूल्स में डिफाइन है। अगर इसके अगेंस्ट CFG C++ की डिफाइन करने वालों ने ये रूल्स लिखे हैं तो तब ये कंपाइल हो जाएगी लाइन और ये वाली नहीं होगी। हाँ, अगर कल कला को C++ वालों ने प्लस प्लस स्टेरिक के लिए भी कोई रूल लिखा होता तो फिर ये लाइन भी कंपाइल हो जाती, लेकिन फिर उन्होंने इसका मतलब भी डिफाइन किया होता, इसका पर्पस भी उन्होंने हमें डिफाइन करके दिया होता, तो फिर ये स्टेटमेंट भी वैलिड हो जाती। तो इससे नतीजा क्या निकला कि जो लैंग्वेज को बनाने वाला है, जो उसका ओनर है, जो उसका क्रिएटर है, वो उसके रूल्स भी डिफाइन करेगा, रूल्स वो डिसाइड करेगा, और जो उसका यूजर है वो उस रूल्स के अंदर रहते हुए अपनी स्टेटमेंट्स लिखेगा।
अदरवाइज वो कंपाइल नहीं होंगी, वो कंपाइलर उनको नहीं पहचान सकेगा, जब नहीं पहचान सकेगा तो एरर जनरेट करेगा और उस एरर को आपको लाजिमन उसके रूल्स के मुताबिक, उस लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशंस या उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के मुताबिक, इन अदर वर्ड्स, जनरल लिखनी होंगी, तो तब वो कंपाइल होंगी, जब कंपाइल होंगी तो उसके बाद वो फिर असेंबलर जो है ना उसको जना मशीन लैंग्वेज में लेके जाएगा और उसको जना कोड को चला सकेगा। तो बहरहाल ये मुख्तसरन ये बड़ा लंबा इशू है कंपाइलर के कोर्स में, जब कभी हम कभी पढ़ाते हैं तो उधर हम इसको फिर बहुत डिटेल में इन बातों को डिस्कस करते हैं। बहरहाल यहाँ पे मकसूद सिर्फ आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर यानी उसकी जो है ना अफादियत समझानी थी कि इसके पीछे भी ये एक ट्री डेटा जो है ना पार्सर के पीछे भी ट्री होता है। और गौर करने की बात यह है कि ये बाइनरी ट्री नहीं है, ये गौर करें यहाँ पे टर्नरी ट्री है, यहाँ तीन चाइल्ड्स हैं, यहाँ तीन हैं, यहाँ भी तीन हैं, इसी तरह कहीं एक चाइल्ड है। तो जब आप ये अभी जब आपका पार्सर जनरेट होगा ना आपकी ग्रामर से, तो वो डिपेंड करेगा आपके जो है ना सीएफजी के रूल्स पे कि उसमें मैक्सिमम आपके कितने चाइल्ड बन सकते हैं किसी भी रूल में। तो वो शायद पेंटा ट्री हो, डेका ट्री हो, वो ऑक्टा ट्री हो, वो बाइनरी ट्री हो, कुछ भी हो सकता है, यानी उसमें 8, 9, 3, 4, 5 चाइल्ड हो सकते हैं। वो ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अच्छा, अब अगली मिसाल पे आएँ, डाटाबेसिस में आ जाएं, इसके पीछे भी आपकी एसक्यूएल क्यूरी के पीछे भी जनाब आपकी सारी क्या है, पास ट्री है। मिसाल के तौर पे आप एक क्यूरी लिखते हैं कि फाइंड द टाइटल्स फॉर द मूवीज विद स्टार्स बॉर्न इन 60। आप मुझे वो वाले टपल्स या रोज रिटर्न करके दें जिसके मूवीज में टाइटल्स जिसमें जो स्टार्स जो अदाकारों ने काम किया है वो बॉर्न पैदा हुए हैं 60s में। अब मिसाल के तौर पे आपके डेटाबेस में दो टेबल्स हैं, एक स्टार्स का है, एक मूवी स्टार्स का है। तो स्टार्स इनक में एक टाइटल है मूवी का, उस वो जो ईयर जिसमें वो जो है ना ईयर ऑफ द स्टार्स और स्टार नेम, ठीक है ना जी, और दूसरी में मूवी स्टार यानी नेम, एड्रेस, उसका जेंडर और उसकी बर्थ डेट है। अब ज़ाहिर है आपको उधर टाइटल भी चाहिए, तो टाइटल तो आपको इधर से मिलेगा और स्टार्स बॉर्न जो है ना वो बर्थ डेट यहाँ से मिलेगी। तो ज़ाहिर है आपको इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आपने डेटाबेस में पढ़े हैं मुख्तलिफ जॉइंस की फॉर्म्स, इनर जॉइन, आउटर जॉइन वगैरह वगैरह। तो अब वो एक क्यूरी लिखता है कि सेलेक्ट टाइटल इन्हीं दोनों से, फ्रॉम स्टार्स इन एंड मूवी स्टार यानी इन दोनों को ज्वाइन करो, वेयर स्टार नेम इज द नेम, ये नेम आपने इनपुट किया होगा, एंड बर्थ डेट इज लाइक 1960s, यानी जहाँ पे 60 का लफज आएगा 60s का, तो वो वाले टपल्स ये रोज रिटर्न करके देगी ये क्यूरीज। अच्छा, अब आप जरा गौर से देखिएगा, इसके आगे मैं अब एक ट्री जनरेट करके दिखाता हूँ आपको कि इसके बैक एंड पे भी एक ट्री जनरेट होगा और वो ट्री होगा ये। अब ये जो क्यूरी चलेगी तो ज़रा गौर से देखें, ये वही क्यूरी है और इस क्यूरी को देखें, इसको जो ये जनरेट कैसे हुई है, तो मैं बाद में, ये मौजू अब इसका नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि वही क्यूरी है। ज़रा देखें, लेफ्ट टू राइट लीफ से रीड करें, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम स्टार्स इन, ठीक है ना जी, एंड मूवी स्टार कॉमा मूवी स्टार वेयर स्टार नेम इज इक्वल टू नेम एंड बर्थ डेट इज लाइक 1960। अब ये जो आपकी सारी पीछे क्यूरी है ना, इसके पीछे ये सारी ट्री आप जनरेट करेंगे। अगर तो आपने सेंटेक्स एरर यहाँ किया हुआ, यहाँ पे कॉमा मिस किया, तो ये जनाब यहाँ पे ये कॉमा जो है ना, ये यहाँ पे इस फॉर्म लिस्ट, ये जो सी एफ जी होगी ना, इस फॉर्म लिस्ट में यहाँ पे फॉर्म में आपके अगर एक आपने टेबल दिया दूसरा टेबल दिया, तो ज़रूर आपको कॉमा लाजमी देना होगा दरमियान में। आपने वहाँ मिस कर दिया तो ये यहाँ पे पार्स ट्री में इतना पार्सर में ये ट्री का हिस्सा जनरेट नहीं हो सकेगा। ये जब ये हो नहीं सकेगा तो यहाँ एरर आएगा, जब एरर आएगा तो आपके बैक एंड पे यहाँ पे जनाब आपका जो है ना ये जो पार्सर इधर होगा वो यहाँ पे एक एरर आपको दे देगा जी, इस लाइन पे एक एरर है। अब वो जब इस लाइन पे आप आके देखेंगे तो आप कहेंगे ओहो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिस कॉमा मिस किया है। इसी तरह आप और किसी लाइन में कुछ गड़बड़ करेंगे, कीवर्ड के स्पेलिंग मिस कर देंगे, तो वो वहाँ जाके देख लेगा कि वहाँ पे उसको नहीं मिलेगा ट्री में ऐसा कोई कीवर्ड, जना सेलेक्ट के बजाय आपने सेलेक्ट के स्पेलिंग कुछ और लिख दिए, तो यहाँ पे वो जनाब उसको सेलेक्ट की जनाब स्पेलिंग में तो वो सेलेक्ट नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे वो ट्री जनरेट नहीं होगी, जब नहीं होगी तो यहाँ एरर आएगा।
और जब एरर आएगा तो वो कहेगा कि जनाब आप जो है दोबारा इसको रीराइट करें, ठीक है ना जी। तो ये है जनाब आपको थोड़ी सी मैंने आज आपको ये जो है ना ट्री की अफादियत, द यूजेज ऑफ ट्रीज इन डिफरेंट एप्लीकेशन विद इन कंप्यूटर साइंस आज आपको बता रहा हूँ कि कितनी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर साइंस में जिसके बैक एंड पे सारा ट्री और ट्री इस्तेमाल होता है। लिहाजा ट्री डेटा स्ट्रक्चर को सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना इंतहाई ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न कंप्यूटर साइंस। तो ये याद रखें कि इफ़ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट ट्री डेटा स्ट्रक्चर तो इट मीन्स कि फिर आपने कंप्यूटर साइंस सीखी ही नहीं है। यू नीड टू इम्प्लीमेंट, यू नीड टू नो कि कंप्यूटर साइंस यानी ट्री डाटा स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसमें कैसे काम किया जाता है, उसकी ट्रैवर्सल कैसी होती है, उसमें इंसर्शंस कैसी होती हैं, उसमें डिलीशंस कैसे होती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं आपका कंपाइलर में एक फेज होता है हमारे पास, जिन्होंने कंपाइलर का कोर्स पढ़ा होगा तो कोड ऑप्टिमाइजर होता है उसमें एक, इसको हम कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजर। ये असल में कोड को ऑप्टिमाइज करता है, ऑप्टिमाइज कर इसलिए करता है कि इंसान है, आपको मैं कहूं कि कोड को जो है एक ऐसा कोड लिखें कि जो दो नंबर्स को जमा करे, टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। तो एक बंदा आपका ऐसा होगा जो कोड लिखेगा तीन वेरिएबल्स को यूज करके, ठीक है, और शायद एक बंदा होगा वो यही काम चार वेरिएबल्स के साथ करेगा। तो कोड ऑप्टिमाइजर जो करेगा ना वो शायद इन दोनों के कोड्स को जब चलाएगा तो दोनों के कोड्स को, अगर ये चार वाला होगा इसको भी बैक एंड पे तीन वेरिएबल्स के साथ मेंटेन कर लेगा, जो इस आपने एक इजाफी वेरिएबल यूज करोगा ना उसको ऑप्टिमाइज करेगा आपके कोड को, ठीक है ना जी। तो ये सारे काम जो है ना कोड ऑप्टिमाइजर करता है। अब उसकी मिसाल देखते हैं कि कैसे करता है। मिसाल के तौर पर आपने ये एक एक्सप्रेशन लिखा था, अभी आपने पीछे देखा है ये जेड इज इक्वल टू ये, ये एक एक्सप्रेशन जेन्युइन बन जाता है ना अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सी प्लस प्लस में, तो ये एक जेन्युइन स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस की। अच्छा, इसमें अभी जो ग्रीन पार्ट है ना ये जरा देखें, डी स्टेरिक ई, ये डी स्टेरिक ई इस ट्री के इस हिस्से से निकलेगा, फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो तो प्लस होगा इस हिस्से से। तो ये जो हिस्सा इसने जो ड्रॉ किया है, अगर आप गौर करें इससे जो रिजल्ट एक्स आएगा वो वही रिजल्ट नहीं होगा जो इस हिस्से से आएगा, डी स्टेरिक इधर भी हो रहा है एक्सप्रेशन में और फिर वो रिजल्ट आएगा एफ से। तो कंपाइलर जब ये देखता है ना कि दो एक एक्सप्रेशन में दो इस हिस्से ऐसे हैं जिनसे सेम रिजल्ट कंप्यूट होता है, सेम रिजल्ट, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं बार बार इसको सेम स्टफ को रिकम्प्यूट नहीं करूंगा, आई विल नॉट कंप्यूट द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन, रादर मैं क्या करूंगा, आई विल रीयूज इट। एक दफा एक हिस्से को कंप्यूट अगर मैंने कर लिया है तो अगर वही प्रॉब्लम इधर रीअकर हो गया है इस हिस्से में दोबारा, तो मैं उसकी कंप्यूटेशन को इधर रीयूज करूंगा इस हिस्से में, ठीक है। अब इसके पीछे वो कैसे करेगा वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, वक्त इतना नहीं है, वो जब कंपाइलर कभी हमने पढ़ा तो देखेंगे वहाँ। तो अब जब वो यहाँ रीयूज करेगा तो इससे जनाब वो बना लेगा एक जो हिस्सा बनेगा, इधर इसने मिसाल कंप्यूट कर लिया तो इधर जनाब इसको फिर वो दोबारा रिकम्प्यूट नहीं करेगा और वो इससे ये बना देगा। मतलब जब वो ट्रैवर्सल करेगा ना ट्री ट्रैवर्सल, जब इधर आएगा और इस हिस्से से जब रिटर्न होके इन से ट्रैवर्सल करके यहाँ आके इस हिस्से से जो रिजल्ट आ जाएगा ना एक्स, तो जब वो इस हिस्से में आके और इधर देखेगा कि तो वही हिस्सा आ रहा है जो कि मैं पहले कर चुका हूँ, तो फिर वो यहाँ से डायरेक्ट इस जगह जाके ये एक्स को रीयूज कर लेगा। तो ये चीज़ बन जाएगी, और जब ये चीज़ आई बन जाएगी तो ये देखिए ये अब ट्री नहीं रहा, ये ट्री नहीं है अब, क्यों, क्योंकि ट्री के वो रूल्स यहाँ वायलेट हो रहे हैं। कौन से, आपने एक ट्री में मुझे कहा था कि अगर एफ एन वर्टिसेस होंगे तो एजेस कितनी होंगी, एन माइनस वन, तो यहाँ आप देखें एन वर्टिसेस हैं तो एन ही एजेस हैं, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और एजेस गिन लें वो कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, वो भी आठ हैं। तो ये तो ट्री ना रहा, ये तो ग्राफ बन गया, समझ आ रही है। तो एट एट हैं दोनों वर्टिसेस हैं, एट ही एजेस हैं, और आप देखें इसमें साइकिल भी है, यानी यहाँ से आप शुरू होते हैं यहाँ गए वापस आ गए,
तो ये अब ट्री ना रहा, और ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बन गया, तो ये अब ट्री से निकल गया। बहरहाल ये जब आगे हम ग्राफ में जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ देख लेंगे। तो कोड ऑप्टिमाइजर कंपाइलर के एक अंदर होता है जो कि कंपाइलेशन आपकी तेज़ कर देता है। ज़ाहिर है ना, जब आप इस ट्री को एक दफ़ा सॉल्व करेंगे और यहाँ दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे तो कंपाइलर तेज़ कंपाइलेशन करेगा, कंपाइलेशन तेज़ हो जाएगी, रिजल्ट जल्दी जल्दी कंप्यूट होंगे, तो आप हैप्पी होंगे, आपका कोड जल्दी कंपाइल होगा, जल्दी असेंबलर कोड जनरेट करेगा मशीन लैंग्वेज, और वो जल्दी कोड एक्सिक्यूट होगा। तो बहरहाल ये जनाब हुआ आपका एक्सप्रेशन ट्री। अब जो है आप जो है इनर नोड्स कंटेन्स द ऑपरेटर्स, हमें पता है कि ये जो आपकी जो बाइनरी को ऑपरेटर्स होंगे, तो इसके लेफ्ट पे जो है ना, मतलब बी स्टेरिक सी अगर आपने लिखा है तो ये स्टेरिक आपका रूट होगा और बी उसका लेफ्ट ऑपरेंड होगा और सी उसका राइट ऑपरेंड, तो ये लेफ्ट चाइल्ड होगा और सी उसका राइट चाइल्ड होगा। तो ये इस तरह से हम चलेंगे। और अगर यूनिरी ऑपरेटर होता, जैसे आप नॉट इक्वल नॉट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो फिर उसके लेफ्ट पे अगर बी लिखा है तो इसका मतलब होगा, जैसे आप लिखते हैं इफ नॉट बी लिखते हैं ना, या इफ नॉट हेड आप लिखते हैं, तो नॉट क्या करता है कि अगर बी बुलियन है वो ट्रू है तो नॉट उसको फॉल्स बना देगा, अगर बी फॉल्स है तो नॉट इसको ट्रू बना देगा। तो इस तरह काम हम अक्सर करते हैं। उसके बैक एंड पे ट्री फिर ये होगी कि उसका एक ही चाइल्ड होगा, क्योंकि नॉट ऑपरेटर यूनिरी ऑपरेटर है, उसके लेफ्ट पे एक चाइल्ड होगा और दूसरे साइड पे नल होगा। तो ये नॉट ऑपरेटर जो है ना, चूंकि वो कहता है यूनिरी ऑपरेटर है, तो उस सूरत में उसके एक ही ट्री होगी, एक ही सब ट्री होगी, एक साइड नल होगा। इन ऑर्डर ये अगर हम इस ट्री को ट्रेवर्स करेंगे तो वो जाहिर है अब यही वही ट्री एक्सप्रेशन ट्री है, लेकिन जब इसको हम इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल इस पर करेंगे तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन दे देगा इसका। इसी ट्री को अगर आप पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे ना, तो कमाल आपको ये निकलेगा कि ये पोस्ट फिक्स फॉर्म इसकी जनरेट कर देगा। अब ये ब्यूटी है इसकी। और हमें पता है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आसान होता है मशीन को सॉल्व करने के लिए, या प्रीफिक्स, याद करें वो स्टैक में हमने एक मसला पढ़ा था कि नहीं, स्टैक हमने सॉल्व की थी, उसको हमने एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया था, उसमें हम वो डालते थे कि ए बी सी जो जो ऑपरेंड आए उसको स्टैक में पुश करो, और जो ही ऑपरेटर आए तो दो पॉप करके रिजल्ट को उसमें पुश कर दो, याद है वो स्टैक में किया था। और वहाँ हमने स्टैक पर तो एक बात की थी कि स्टैक ह्यूमंस आर गुड एट इनफिक्स एक्सप्रेशन, ह्यूमंस को जो है इनफिक्स आसान होता है, बट स्टैक्स जो है ना वो दे आर गुड एट, यानी मशीन्स आर गुड एट व्हाट, मशीन्स के लिए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व करना आसान होता है या प्रीफिक्स, उनके लिए जनाब ये जो है ना एक्सप्रेशन सॉल्व करना आसान होता है। तो बहरहाल ये अब हम देखते हैं कि ये इसको तो हमारे लिए आसानी होगी, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्री जनरेट हुआ है तो आप उसको इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल करेंगे तो वो जनाब उससे इनफिक्स एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा, और अगर आप इसको पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल इस पर करेंगे इसी ट्री पर जो मैंने आपको बताया ट्रेवर्सल के मैथड्स पढ़ाए थे, तो इससे जनाब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। और अगर इसी को आप प्री ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल इसका करेंगे इस ट्री का, तो ये प्री फिक्स एक्सप्रेशन इससे जनरेट हो जाएगा। अब सवाल उठेगा ये आपके जहन में कि ये हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे एक्सप्रेशन ट्री, ये जो आपने बैक एंड पे बनाई है। तो अब उसका वो एक जिसने पूरा तरीका एक्सप्लेन अंग्रेजी में किया है, बाद इसको आप पढ़ लें, मैं इसको जाना सिंपल बताता हूँ कि कैसे करेंगे। वो स्टैक का इस्तेमाल अभी फिर हम करेंगे कि लेट्स से अगर आपको ये एक्सप्रेशन गिवन हो, लेट्स से ये किस में गिवन है, पोस्ट फिक्स में, और आपसे कोई कहे कि भाई इससे मुझे एक्सप्रेशन ट्री बना के दो, ठीक है ना जी, और तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, हम एक्सप्रेशन ट्री बना के आपको दे देते हैं। इससे वो कैसे बनाएंगे कि वो कहता ये है कि जूं जूं आप लेफ्ट टू राइट चलें, जब जब आपको ऑपरेंड मिले आप स्टैक में पुश करते जाएं, और जूं जूं और ऑपरेटर मिले तो आप स्टैक से दो पॉप करें, और आप उसको ऑपरेटर को उनका रूट बना दें और उस नई ट्री को दोबारा स्टैक पे पुश कर दें। कैसे, मिसाल मैं सिर्फ चलाता हूँ, फिर आगे मैं स्लाइड्स पे दिखाता हूँ। मसलन अब आपने इसमें ए रीड किया ना पहले, तो स्टैक यानी स्टैक इस तरह से लेफ्ट टू राइट ये ग्रो हो रही है। अच्छा, इसका टॉप पॉइंटर यहाँ है और ये ऐसे जाएगी आगे, तो ए आया पुश किया इधर आया, फिर पॉइंटर आगे चला गया बी आया तो बी यहाँ पुश हुआ, अब आया प्लस, तो अब जब प्लस आएगा तो आप क्या करेंगे, वो आपने जो है ना दो पॉप करने हैं, तो दो पॉप किया तो वो आया बी, एक रूट नया ट्री का रूट बनाया,
दूसरा पॉप किया तो वो ए पॉप हुआ, अब टॉप वापस ये दोनों पॉप हो गए, और अब आपने प्लस जो था वो इन दोनों का, इन दो नई ट्रीज का रूट बना दिया और प्लस को दोबारा पुश कर दिया, यानी इस प्लस का के ऊपर जो रूट पॉइंटर है उसको इधर पुश कर दिया, तो वो इससे अब ये चीज़ बनी, दो टॉप आपके जाना, दो आपने ए बी पुश किए और आपने जब प्लस रीड किया तो उसके बाद ये सिचुएशन बन गई। आपने अब कहाँ तक जाना है, एक्सप्रेशन को चला लिया हुआ है यहाँ तक, प्लस तक। अब सी डी ई आएगा तो वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे सी डी ई इस तरह लगेंगे, पुश होंगे स्टैक में, हो गए। अब जब प्लस आएगा तो क्या होगा, आपके दो पॉप होंगे ना, क्योंकि टॉप पॉइंटर आपका यहाँ, दो पॉप होंगे तो डी ई पॉप होंगे और ये प्लस उनका रूट बन जाएगा और ये फिर दोबारा पुश हो जाएगा, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी ये। फिर अभी तक आप जना प्लस भी आप रीड कर चुके हैं, अब आएंगे स्टैरिक, स्टैरिक जब आएगा तो ये और ये पॉप होंगे, अब तो इन दोनों को पॉप करेंगे तो ये एक ट्री पॉप होगी और एक ये ट्री पॉप होगी, यानी इनके रूट पॉप होंगे, और फिर ये स्टैरिक उनका जो है नया रूट बन के पुश हो जाएगा इस ट्री में, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। और आखिर में जो ये स्टैरिक आपका जो मिलेगा लेफ्ट टू राइट, तो उससे आप क्या करेंगे, ये दोनों पॉप करेंगे और इससे फाइनली तो ये ट्री बन जाएगी। तो आपने यूजिंग स्टैक ये एक्सप्रेशन ट्री जनरेट कर लिया, किस से, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से। अब आप इसी ट्री को आप जनाब इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल इसका करें तो इससे क्या निकल आएगी, इनफिक्स एक्सप्रेशन निकल आएगा। इसी को आप प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करें तो इससे क्या निकल आएगा, प्रीफिक्स इस एक्सप्रेशन निकल आएगा इसी एक्सप्रेशन का, और पोस्ट ऑर्डर में तो ढाई और आपने इसको चलाया तो पोस्ट ऑर्डर में पोस्ट ऑर्डर निकल आएगा। तो बहरहाल हमने क्या करना है, हमने तो चलाना है इसको इस तरह से जिस तरह हमें चाहिए। ह्यूमंस चूंकि कोड करना उनके लिए ह्यूमन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में उनको जाना इनफिक्स में लिखना आसान होता है, तो वो उसको उस तरह से लिखते हैं, और जो मशीन्स होती हैं दे आर गुड एट प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स, तो बस ठीक है उनको हम उस तरह से देंगे क्योंकि वो उसको यूजिंग स्टैक बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेती हैं। तो ये कुछ मिसालें हुई। अब एक और मिसाल फाइनली इस क्लास में हम इस सेशन में देख लेते हैं, एंड दैट इज हॉफमैन एनकोडिंग। ये भी एक बाइनरी ट्री की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है, और ये भी आप बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली ये कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन जो आप करते हैं ये उसकी एक खूबसूरत मिसाल है, जो डेटा को आप कंप्रेस करते हैं। व्हेन यू सेंड डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और जो आप रिसीवर को भेजते हैं तो यू वांट के जो दरमियान में ये जो बैंडविड्थ है ये कम से कम इस्तेमाल हो, ताकि नेटवर्क पे ट्रैफिक कम हो और सबका भला हो, ताकि लोग कम आए जाएंगे तो रश नहीं होगा, जब रश नहीं होगा तो इससे सबका फ़ायदा होगा और बैंडविड्थ कम यूज़ होगी, और जनाब फिर इससे जो है ना वो जैम नहीं बनेगा और जनाब सबका डेटा ईजीली ट्रैवल होगा। तो दैट्स वाई इन कंप्यूटर साइंस वी ऑलवेज रिक्वायर दैट वी नीड टू कंप्रेस द डेटा एज वेल। तो हॉफमैन साहब ने एक एल्गोरिथम दिया था और उन्होंने जो है ना एक जो है एक टेक्निक दी थी, और कंप्रेशन जो है हमारे, हमें पता है कि ये एक बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे नेटवर्क्स में, क्योंकि नेटवर्क्स में जो डिलेज आते हैं वो जो है कंप्रेशन की टेक्निक्स वो उसको जो है बहुत सपोर्ट करती हैं उन डिलेज को ख़त्म करने में, और हैंड ऑफ की जो टेक्निक्स हैं भी, जो आपने वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह में पढ़ी होंगी, तो वो भी ज़ाहिर है जितना कंप्रेस होगी चीज़ें तो उतनी जो है ना आपकी जो है ना जो मीडियाज़ यूज़ हो रहे होते हैं नेटवर्क्स में वो लाइट वेट होंगे, तो सबका भला होगा उसमें। और कंप्रेशन जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम टेक्स्ट डेटा के लिए, इमेजेस के लिए और वॉइस के लिए और वीडियोस वगैरह के लिए मुख्तलिफ लोगों ने एल्गोरिथम्स प्रपोज किए हुए हैं फॉर डेटा कंप्रेशन। तो डेटा कंप्रेशन के आपको वेरियस एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे, और फिर उसके आपको पता भी है, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे .jpeg एक इमेजेस का है, .gif, ये सारे जो है ना आपके इमेजेस को जो है ना इमेजेस को कंप्रेस करने की जो है ना ही फॉर्मेट्स हैं। इसी तरह वीडियोस की भी मिल जाएंगे आपको, कुछ बड़े जेनेरिक से हैं, जैसे आपको इंस्टॉल करते हैं आप
विनरार वगैरह और इस तरह की एप्लीकेशन विनजिप वगैरह जो क्या करती हैं कि सबको हर किस्म की फाइल्स को जो है ना कुछ कंप्रेस कर लेती हैं। तो जाहिर बात है यूजुअली लोग उसको इंस्टॉल इसलिए करते हैं कि वो हर किस्म की फाइल को इंटरटेन करती हैं, क्योंकि इंसान है कभी उसको वॉइस भी भेजनी होती है कंप्रेस करके, कभी टेक्स्ट, कभी इमेजेस, कभी वीडियोस, तो यूजुअली पीपल। लेकिन चूंकि इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, फाइल फॉर्मेट्स, तो उनके अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। तो एक एल्गोरिथम याद रखें कंप्रेशन का, वो हर किस्म की फाइल्स को जो है ना उसके लिए आइडियल नहीं हो सकता। तो इसलिए चूंकि आगे फाइल फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कंप्रेशन की टेक्निक्स भी साथ ही साथ वेरी करती हैं और बदलती हैं। तो हॉफमैन कोड इज़ अ मेथड फॉर कंप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो हॉफमैन साहब का जो हदफ था ना वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट थे, याद रखें। अच्छा, एंड इट मेक्स यूज ऑफ बाइनरी ट्री एंड डेवलप द कोड्स फॉर वेरिंग लेंथ ऑफ द लेटर्स यूज्ड इन ओरिजिनल मैसेज। और हॉफमैन कोड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जेपैक कंप्रेशन स्कीम। ये जेपैक जो आप यूज करते हैं ना इमेज कंप्रेशन की स्कीम, हॉफमैन के जो स्कीम है ना उससे ये बहुत मुतासर है, और आज भी आप जेपैक बहुत यूज करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये कैसे इसने जो जेपैक है ये कैसे इसको बैक एंड पे हॉफमैन से कैसे वो लेता है, वो कैसे इसका एल्गोरिथम उधार उसने लिया हुआ है। और नेचुरली उसने कुछ उसमें अपनी चीज़ें भी डाली हैं, लेकिन मेन जो उसका थीम है वो हॉफमैन से वो उसने उधार लिया हुआ है। और कमाल की बात ये है कि दिस एल्गोरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड हॉफमैन इन 52 एज अ पार्ट ऑफ कोर्स असाइनमेंट एट MIT। अब आप गौर करें कि 52 में एक बंदा अपने कोर्स की असाइनमेंट में ये प्रपोज करता है ये एल्गोरिथम। तो सोचें जरा कि किस लेवल का जो है ना वो वहाँ पे कोर्स उसने पढ़ा होगा, पढ़ा और जो है ना उसने किस किस्म का काम किया होगा बाइनरी ट्रीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद, उसके जहन में एक आइडिया आया होगा और उसने फिर उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। तो दैट्स वाई ये इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ट्रीज जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको समझना। अगर ये आपने कंप्यूटर साइंस में रहना है तो इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के बगैर आप कंप्यूटर साइंस में यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब आपको चीज़ों की जो है ना इनर डिटेल्स जो कैसे इम्प्लीमेंटेड है वो नहीं समझ आ सकती। अच्छा, टू अंडरस्टैंड हॉफमैन एनकोडिंग इट्स बेस्ट टू यूज अ सिंपल टेक्स्ट। तो हम अब एक काम करते हैं, चूंकि हॉफमैन साहब का हदफ तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स थे, तो अब हम एक टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर ये एक टेक्स्ट है ट्रेवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज। ये थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। ये एक फिक्रा है मिसाल के तौर पर, यह आपने भेजना है मिसाल एक सेंडर से एक आपने अपने कज़न को एक ईमेल लिखी और उसमें आपने ये फिक्रा लिख के भेजा। तो ज़ाहरी बात है अब अगर ये फिक्रा आप भेज के भेजते हैं और इसमें आप गिन लें इसमें 32 लेटर्स हैं यानी कैरेक्टर्स हैं, और अगर ये स्टैंडर्ड ASCII स्कीम कोड्स होते हैं 8-bit के हमें पता है, अगर उससे आप भेजेंगे तो इसको कितना खर्चा आएगा 32 लेटर्स पे 8-bit 32 × 8 256 bits आपको लगेंगे इसको सेंडर से रिसीवर पे तक पहुंचाने के लिए। ये सिर्फ मैं डाटा बिट्स की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली जब नेटवर्क पे वो जाएगा तो वो OSI लेयर आपने पढ़ा है, वो हेडर्स एंड ट्रेलर्स जो अटैच होते हैं हर लेयर पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो इसके अलावा हैं जिसको ओवरहेड बिट्स भी हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल डाटा की बिट्स की हम बात करेंगे तो वो इतनी होंगी 32 × 8 256 बिट्स लगेंगे। लेकिन जब हॉफमैन एनकोडिंग हम कर लेंगे एल्गोरिथम अभी पढ़ेंगे तो वी कैन सेंड मैसेज ओनली विद 116 बिट्स। तो अब आप गौर करें ये मोर देन 50% रिडक्शन है, 50% से भी ज़्यादा आप जो है ना आपने जो है ना बिट्स की रिडक्शन की है, आपने एफिशेंसी दिखाई है 50% से ज़्यादा। तो ज़ाहरी बात है फाइल आपकी बहुत कंप्रेस हो जाएगी। अब ये क्या करता है, अब आप ज़रा इसको, खैर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ मिसाल पे। मिसाल के तौर पे ये वो टेक्स्ट है जो आपने भेजा है और इसमें 33 लेटर्स हैं, इसमें स्पेस और न्यू लाइन करेक्टर भी इसने गिना है, जो एंड में एंटर आप दबाते हैं ना तो इसने उसको भी गिना है, तो ये बन गए 33 लेटर्स। अब इसका मुद्दा ये है कि कहता ये है कि आप इसमें तमाम यूनिक लेटर्स की फ्रीक्वेंसीज गिन लें। अच्छा जी, तो अगर आप देखें
नीचे इसने सारी फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं आपके सामने, इसमें जितनी भी मिसाल के तौर पे वी आपके पास सिर्फ एक दफ़ा आया है, डी दो टू टाइम्स इसमें आपको मिल रहा है। देखें यहाँ पे ये एक डी है और एक डी ये है, और आई आपको टू टाइम्स मिल रहा है इसमें, स्पेस आपको थ्री टाइम यानी एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है और एक स्पेस ये है। तो ये कहता है कि यूनिक लेटर्स जो जितने भी आपके यूज़ हो रहे हैं उनको फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें। उसके बाद क्या करें, वो कहता है कि ये जितने भी है ना, ये सारे जितने आपने यूनिक लेटर्स बनाए हैं इतनी ट्रीज बना लें, इतनी डायनेमिकली इतने नोड्स की ट्रीज बना लें अलग-अलग, और उसके नोड में उस लेटर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें। ये यानी ए तीन दफ़ा आया था, टी तीन दफ़ा आया, डी दो दफ़ा आया, आई ये 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 सब आपने फ्रीक्वेंसीज लिख के, ये अब इसने यहाँ क्या किया मैं बाद में बताता हूँ इसने, और ये कर लिया। अच्छा, अब वो कहता ये है कि इसमें सबसे दो ऐसी इसमें जाना लेटर्स बोलो यूनिक लेटर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी को तुम जमा कर लो तो उसका सम सबसे कम बने, ठीक है जी। जिन दो ट्रीज की के अंदर जो डाटा पड़ा है उनकी सम करो तो उनका फ्रीक्वेंसीज का सम सबसे कम बने, तो उसको जोड़ के एक ट्री बना लो, यानी इन दोनों से टू बनेगा ना। तो अब वो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक तो यही है जो मैंने ड्रॉ किया है, एक ये भी है जो इसने ड्रॉ किया है, एक और भी हो सकता था कि मैं जी और एच को जोड़ता, एक ये भी हो सकता था कि मैं एन एल और बी को जोड़ता, यानी कम से कम जोड़ो। तो ये इस तरह जोड़ते 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 इससे एक ट्री बन जाएगी इस पूरे डेटा से। अब वो कैसे करता है इसको देखें अभी। टू इसके बाद इसने जो सबसे कम सम वाला बनता है नेक्स्ट वो ये बनता है। अगला आपके ख्याल में कौन सा है, वो जाहिरी बात है इन दोनों से बनेगा, इन दोनों का सम सबसे कम बन रहा है क्योंकि अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो इससे 10 बनेगा। इन लेट से अगर आप एन एल और एस को जोड़ते तो इससे 3 बनेगा, 2+1=3, तो ये भी ग्रेटर है इससे। तो आपने ऐसे दो ट्रीज को जोड़ना है इकट्ठा करके एक ट्री बनाना है और उनकी क्यूमुलेटिव यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज का सम ले लेना है कि जो सबसे लीस्ट बने। तो अगर उसका हम कह सकते हैं कि ये दो ट्री एक एक बन सकती है इस दूसरे के साथ जी, मैंने उनसे कहा कि इसका दो ट्री और बंसर बन मखकेगी ये। देखें आपको मैंने अभी देखें इधर आए रिपीट शुरू से मैं फिर आता हूँ। देखें आपने पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जब आपको ये जितने यूनिक लेटर्स निकाल लिए आपने, ये तो आप निकाल लेंगे ना मिसाल के तौर पे, जो फिक्रा आपने यट से सेंडर से रिसीवर को भेजना है तो आपने सेंडर साइड पे ये काम करना है, यूनिक लेटर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल के अपने पास रख लिया। अब आपने मिसाल के तौर पे ये कितने लेटर्स निकल आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ट्रीज आपने बना दी, वो ये हैं नेक्स्ट स्लाइड में बन गई, ठीक है ना जी। ये 15 ट्रीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उन ट्रीज के में एक एक नोड आ गया, ये रूट है अपनी ट्री का, ये अपनी ट्री का रूट है, ये अपनी का है, ये अपनी का है, और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब आप 15 रूट पॉइंटर आपके पास आ गए, आप इनमें से वो दो रूट पॉइंटर्स की इन्फो को जमा करें और इकट्ठा करके एक ट्री बना लें उनसे, कि जिनकी इन्फो को जमा करने से टोटल सम सबसे कम आए। तो जाहिर बात है मैं अगर इन दोनों को जमा करूं लेट से ए और टी और डी को, तो इन दोनों के सम से तो 5 आएगा, लेकिन अगर मैं आई और एन को जोड़ूं तो इन दोनों के सम से तो 4 आएगा, तो कम कौन बना, ये बना ना। अब इससे इधर आऊं 2 और 1 को अगर एन एल को जोड़ूं तो इससे 3 आएगा, तो ये तो फिर ये भी गया, ये भी नहीं जोड़ सकता बिकॉज दिस इज मोस्ट लीस्ट, सबसे कम ये बना।
मैंने मुझे वो कॉम्बिनेशन जोड़ना है जिससे दो ट्रीज को जोड़ने से सबसे कम उनकी फ्रीक्वेंसी का सम बने। समझ अब आइए बात, कोई सी जो है ना दो ट्रीज मैंने ऐसी जोड़नी है। जी यहां तक क्लियर है बात अभी कि नहीं? ठीक सर। अच्छा, जब यहां क्लियर है तो अब मैंने मेरे पास अब बहुत ऑप्शन है। मेरे पास एक ऑप्शन तो यही है जो इसने ड्रॉ किया है, यानी वी और वाई को इकट्ठा करके एक ट्री बनाया है जिसका सम टू आया है। एक ये भी था जी और एच। तो जब मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो फिर आपकी चॉइस है, कोई भी बना लें, चाहे तो ये बना लें, चाहे तो इन दोनों को पहले बना के इससे टू यहां लिख दें। तो जाहिर जो भी कर लें अगली स्लाइड पे वो यही कर रहा है कि इन दोनों को इकट्ठा किया है उसने, ठीक है। इसी तरह इसने फिर अगली स्लाइड में जाएंगे तो आपको नेचुरली मिलेगा कौन बनेगा सबसे कम कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं इसको और इसको जमा करके एक ट्री बनाऊंगा ना, सम करूंगा, तो वो ये बनेगा, याद रखो। अच्छा, फोर, ये एक ट्री ऐसे बनेगी, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि इन दोनों का सम टू बनता है। तो अगली स्लाइड में देखें वो ये ले रहा है। अब बताएं कौन सी दो का सम सबसे कम बनता है। तो अब मेरे पास टू टू का कॉम्बिनेशन एक बनता है, ये इनका कॉम्बिनेशन से भी फोर बनता है। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तो इससे भी फोर बनता है, एक ऑप्शन ये है, इन दोनों से भी फोर बनता है। तो मेरे पास अभी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके सम से थ्री बनता हो, टू प्लस वन या वन प्लस टू। इसलिए अब मेरे पास सबसे कम ऑप्शन यही बचा है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में वो देखें, फोर फोर के उसने बना लिए, ये एक फोर का बन गया, एक ये आगे। अब देखें फोर के उसने दो बना लिए, ये एक फोर का ये बना, और फिर फोर के और कोई नहीं था तो नेक्स्ट उसने फाइव के कॉम्बिनेशन का ये बनाया थ्री और टू से। फिर फाइव के खत्म हो गए तो इसने थ्री और थ्री एक सिक्स का बना लिया। अब मुझे बताएं सिक्स फोर फाइव फाइव फाइव, अब कौन से दो जोड़ूं जो कम से कम बनाए। मेरे पास ये सारे ऑप्शन हैं। हाँ जी बताएं, अभी मैं कौन से दो को जोड़ूं जिनका सम कम आएगा, बताएं। शाबाश सर, फोर और फोर। फोर और फोर, तो फोर और फोर में मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इन दोनों को जोड़ूंगा और या इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है। तो अब उसने देख लिया, पहले इसने फोर और फोर को जोड़ के ये बनाया, फिर इसने फोर और फाइव को जोड़ के ये बनाया, और फिर इस फाइव और फाइव को जोड़ के टेन बनाया, और ये तो सिक्स था। अब कौन सा को जोड़ूं? अब मेरे पास सिक्स और एट सिक्स और फिर नाइन टेन से बनना चाहिए एक, और फाइनली मेरे पास बनना चाहिए ये। अब मुझे बताएं ये जो सम आया 33, ये वही सम नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर मेरे पास कितने हैं और आना यही चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी निकली है किसकी, ऑल लेटर्स की, जो कि आपके सेंटेंस में से, और ये 33 ही आना चाहिए। अगर ये वैल्यू यहां सही 33 नहीं आई, इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक की है। तो अब ये क्या चीज है, ये बाइनरी ट्री बनी कि नहीं बनी? अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये बाइनरी ट्री बना के वो हॉफमैन साइड क्या करना चाहते हैं। अब वो बताएगा हॉफमैन साइड क्या करना चाहते हैं अगली स्लाइड में। वो कहता ये है कि अब आप इस ट्री को ट्रेवर्स करें, और जब लेफ्ट साइड पे ट्रेवर्स करें तो जीरो इनकाउंटर करें, और जब राइट साइड को ट्रेवर्स करें तो वन इनकाउंटर करें, और रिपीट करें इस प्रोसेस को फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज के लिए भी। और इससे हमें एक कोड मिल जाएगा एक कैरेक्टर का, जब हम एक रूट से किसी भी लीफ तक पहुंचेंगे। और वो कैसे, वो अब वो आगे बताता है। ये देखें, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोड ऑफ डी, तो डी का कोड क्या होगा अगर मैं रूट से ट्रेवर्सल शुरू करूं, जीरो वन जीरो जीरो। डी का कोड क्या निकला? जीरो वन जीरो जीरो, चार लेटर का कोड हुआ इसका। अब मैं आपसे पूछूं जनाब ई का कोड क्या होगा,
बताया जी, ई का कोड क्या निकला? सर 101 101 ठीक है जी। इसी तरह मुझे बताएं कि टी का क्या कोड निकला? सर 001। अब मुझे बताएं कि ये कोड इनकी लेंथ क्या है? मैक्सिमम आपको जो कोड मिल रहा है उसकी लेंथ 4 है, 4 से किसी की भी ग्रेटर नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ये वाले लेटर अगर आप ASCII से भेजते नेटवर्क पे तो हर एक लेटर के लिए कितने बिट्स आप भेजते? 8 बिट्स। अब अगर मैं इन लेटर्स को, ये जिन लेटर्स की मैंने ये बाइनरी ट्री बनाई है, अगर ये ट्री मैं रिसीवर के साथ शेयर कर लूं ये ट्री, और मैं उसको एक बिट स्ट्रीम भेज दूं डाटा की, एक्चुअल डाटा की, और ये ट्री शेयर कर दूं, तो वो इस ट्री को ट्रेवर्स करके, पास करके, बिट स्ट्रीम को इस पर से गुजार के वो एक्चुअल डाटा नहीं रिट्रीव कर लेगा? चलें मैं आगे चलता हूं, शायद समझ आ जाए मेरी बात। अच्छा, ये अभी आपने खुद कोड निकाले हैं ना, ये देखें स्लाइड पे आपने ए का कोड 001 निकाला है, ये देखें ये मैंने सारे कोड यहां लिख दिए हैं। ए का कोड आपने 000 निकाला है, ई का कोड 101 निकाला है, आर का कोड ये सारे पिछली स्लाइड से निकाला है। अच्छा, अब जरा देखें ये फिकरा, जब आप भेजेंगे सेंडर तो देखें टी के लिए वो अब क्या भेजेगा? ये 001। आर के लिए वो क्या भेजेगा? 110। ए के लिए क्या भेजेगा? 000, क्योंकि आपने ए के लिए पीछे क्या लिखा हुआ है? 000। अच्छा, ये सब, ये इस तरह वी के लिए, ये क्योंकि आप तो वेरिएबल लेंथ के कोड्स हो गए ना आपके, इस तरह ये सारा, तो ये बिट स्ट्रीम। तो अब आप सेंडर ये चीज, ये बिट स्ट्रीम सारी सेंडर जो है ना किसको भेज देगा? सेंडर विल सेंड टू रिसीवर, ये बिट स्ट्रीम सारी भेज देगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब रिसीवर को ये जब मिलेगी, जब रिसीवर को ये मिल जाएगी, ये वाली बिट स्ट्रीम रिसीवर के पास, तो उसके पास तो ये वाले कोड्स नहीं है ना, ये वाले, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या भेजा है यूजर ने? यानी वो कैसे तकसीम करेगा कि ये पहले तीन डिजिट, तीन बिट्स से मुझे एक टी मिलेगा, कि पहले 4 से मुझे कुछ मिलेगा, कि पहले 5 से मुझे कुछ मिलेगा? तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये जो टेबल है ना, ये कोड्स नहीं है, कोड्स, दीज नीड टू बी शेयर्ड विद विद रिसीवर एज वेल। अब समझ आई है? जब आप ये उसके साथ शेयर करेंगे तो अब आसानी हो जाएगी। अब क्या करेगा, जब वो पहला 0 लेफ्ट टू राइट रीड करेगा, यानी अब मैं जरा इसको हटा देता हूं, मिटा देता हूं इसको भी, और यहां से इसको भी। अब जरा देखें, अब जब वो यहां पे आएगा, रिसीवर इसको चलाएगा, पहला 0 रीड करेगा, तो वो टेबल में कहां चला जाएगा? जिन जिन के शुरू में 0 आता है वो शायद समझेगा किसने ए भेजा है, शायद समझेगा कि वो ये डी भेजा है, शायद समझेगा कि ये भेजे हैं, शायद इन में वो सोचेगा, ऐसा ही है। समझ आई? यस यस। अच्छा, अब जब अगला लेटर मिलेगा 0, तो अब पीछे जाएगा, अब इन में वो सोचेगा कि यार ये तो शायद ये ए हो सकता है। अच्छा, अब ये वाला कट जाएगा क्योंकि इसके आगे तो 1 है, तो ये सर्च स्पेस में से ये गया, आगे इन दोनों के भी 1 है, ये दोनों भी गए, आगे इसके भी 1 है, ये भी गया। अब मुकाबला किस में रह गया? इसमें और इसमें, क्योंकि इन दोनों के शुरू में
दो जीरोस हैं, समझ आ रही है? जब दो जीरोस उसने रीड किए रिसीवर ने, जब तीसरा वन वो रीड करेगा, तो अब वो जब वो कोड के टेबल में जाएगा तो तीसरा वन उसको यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी गया। तो पीछे जब ये वन मिला तो उसको समझ आ गई कि इसने क्या भेजा है मुझे, पहला लेटर टी जी। तो अब उसको समझ आएगी रिसीवर को, जब वो पहला एक लेटर ये रिसीव कर लेगा तो फिर जब अगला लेटर वन शुरू करेगा तो फिर शुरू से कार्रवाई करेगा, फिर अब वन वन फिर यहां से इसको शुरू करेगा दोबारा से सिरे से, यानी वन जिन जिन के शुरू में आया उनको कंसिडर में लाएगा इस तरह, इन वन वालों को, और फिर वो तो इस तरह से वो अगला लेटर रीड करेगा इस तरह, फिर जिस तरह वन आएगा फिर जिसके आगे वन वन है, तो इस तरह सर्च स्पेस उसका कम होता जाएगा। तो ये बिट स्ट्रीम इस तरह वो रीड करेगा करेगा करेगा, चलते चलते उसको सारा ये वाला फिक्रा उसको मिल जाएगा, कहां पे? रिसीवर साइड पे। सर प्रदीप हो बस पे जाऊं, काम शिफ्ट हो रहा है, टाइम बट इन शिफ्ट है क्या काम दस और दिन तो टेबल के चेक कई हो या लेटर ऑफ या बिट से जल्द खोलेंगे और डेप को भी चेक कई या मतलब देखें। आप जरा गौर से यूज करें, आप कंप्रेशन किस लिए करते हैं कि बेशक सेंडर और रिसीवर पे टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन बैंडविड्थ कम इस्तेमाल हो, ट्रैफिक कम लगे, रोड पे ट्रैफिक कम हो, बेशक इधर कम इधर टाइम ज्यादा लग जाए और या इधर टाइम ज्यादा लग जाए, आप कहते हैं इसकी परवाह नहीं है लेकिन रोड पे ट्रैफिक कम हो, आप नेटवर्क में ये चाहते हैं ना। ओके सर, आप बेसिकली कंप्रेशन तो इसलिए करते हैं। तो अब मसला ये कि ये सारी कंप्यूटेशन जो आप कह रहे हैं, ये सारी कंप्यूटेशन तो रिसीवर साइड पे हो रही है ना कि रोड के ऊपर हो रही है, रोड इज फ्री, ये सारी कंप्यूटेशन कहां हो रही है? रिसीवर साइड पे। रिसीवर सर दा सर दा टेबल से दा 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 कोड टेबल से दा बस ने शेयर को दे बने मुद्दा पर ले। हां अब इस सवाल का जवाब सुने, ये टेबल कहां से जनरेट हुआ है? इस फ्री से। तो अब मैं आपको बताता हूं, या तो आप रिसीवर के साथ ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर शेयर करेंगे, दिस ट्री डेटा स्ट्रक्चर विल बी शेयर्ड विद रिसीवर, विद रिसीवर, और दिस टेबल विल बी शेयर्ड, ठीक है ना? दोनों एक ही बात बन गई ना, या ये टेबल शेयर होगा और या ट्री डेटा, एक ही बात है क्योंकि वो टेबल इसी से जनरेट हुआ है ना, जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तो वही टेबल जनरेट होगा ना हर लेटर के लिए। बिल्कुल सर। अच्छा जी, अब आप लोगों ने जिन लोगों ने एडवांस ओएस पढ़ा है या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है वो मुझे इसका अच्छा जवाब दे सकते हैं, या जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है अभी ये पीछे, हाँ हारून, अगर हारून बैठा है उसको कुछ याद है जी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होती है? अगर किसी के जहन में कोई बात आ रही हो, हाउ वी डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? हारून नहीं है सर। हारून नहीं है, हाँ जी, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, हाँ जी हुमा, आप लोग आप तो पढ़ रही है मेरे साथ ना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम दो तरीकों से करते हैं जी, जब दो प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं, एक प्रोसेस ये है P1 और एक प्रोसेस P2, यानी एक मेरा सेंडर है लेट्स से और एक मेरा रिसीवर है, तो कैसे होती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC? देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास दो तरीके होते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, आपने एक इस्तिलाह पढ़ी होगी मैसेज पासिंग, ये, और दूसरी होती है शेयर्ड मेमोरी। ये मैसेज पासिंग यूजिंग कर्नल स्पेस होती है और जो शेयर्ड मेमोरी होती है ये यूजिंग यूजर स्पेस होती है। और ये दो मॉडल्स क्यों दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने, कि क्योंकि कर्नल में स्पेस चूंकि कम होती है तो अगर डेटा लेस हो तो फिर आप मैसेज पासिंग यूजिंग कर्नल स्पेस प्रेफर्ड है,
और अगर ह्यूज डेटा हो तो फिर आप दो प्रोसेसेस एक मेमोरी का एक हिस्सा आपस में डिसाइड कर लेते हैं, मिसलन जिसमें वो कहते हैं कि इस मैसेज इसमें आप लिखेंगे और मैं यहां से रीडिंग करूंगा, आप राइटर हैं और मैं रीडर हूं, या मैं यहां पे राइट करूंगा आप रीडिंग करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी से वो ये आपस में ये हिस्सा शेयर करते हैं। अब उसमें सिर्फ ये दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो अब इस मिसाल में हमारा क्या होगा, ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो होगा ना, ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर, ये ट्री आप यहाँ पे ये प्रोसेस सेंडर बना के यहाँ शेयर कर ले। शेयर करने का मतलब है कि उसका पॉइंटर, रूट का पॉइंटर, ट्री यहाँ इंप्लीमेंट करके रूट का पॉइंटर का एड्रेस इसके साथ शेयर कर ले। उस रूट के पॉइंटर के थ्रू ये यहाँ पे इस ट्री के रूट को एक्सेस करके पूरी ट्री एक्सेस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? वो इसकी वजह क्या है, जब आप मुझे बताएं लिंक लिस्ट का, जब आप हेड का पॉइंटर किसी को दे दें तो उसके जरिए वो पूरे अगले नोड को एक्सेस कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो जब आप मुझे ट्री का रूट का पॉइंटर का एक्सेस कोई दे देगा तो मैं उस पूरे ट्री के चाइल्ड को भी एक्सेस कर लूंगा। जो आपस में सिर्फ शेयर की होगी, बाकी दुनिया जान के प्रोसेसों के साथ वो शेयर नहीं होगी, सिर्फ इन दो प्रोसेसेस के दरमियान शेयर होगी। ठीक है जी। तो इसके तो ये जो होगा ये वो इंटरपोल, और इसके फिर आपने और भी नाम टेक्निक फाइफोज आपने सुनी होगी, सॉकेट प्रोग्रामिंग आपने सुनी होगी, कॉम डी कॉम कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट, और जावा में आप चले जाए जावा RMI आपने सुना होगा, सर्वलेट सुने होंगे, और इस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यही इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जाना करती हैं, सपोर्ट देती हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी देती हैं, OSs भी देती हैं। ठीक है ना जी, उसके लिए मुख्तलिफ APIs हैं लोग यूज़ करते हैं। तो बहरहाल वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, वो इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम जब कभी हम पढ़ेंगे तो उधर हम इस चीज़ को डिटेल में फिर वहाँ लेके जाएंगे। बहरहाल ये चूंकि आपका क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन कर दी। तो बहरहाल ये नतीजा निकला कि ये तो ये भी एक बाइनरी ट्री की ही एक एप्लीकेशन है जो आपको समझ आई। और यहाँ पे आप देख लें कि आपकी बाइनरी ट्री जब 8 बिट्स पर है तो यहाँ पे जनाब 264 बिट्स इस फिक्रे की लगती हैं, जब आपने इसको इनकोड कर दिया तो कंप्रेशन ने 122 बिट्स यानी 54% आपको रिडक्शन मिली, यानी डेटा आपने कंप्रेस कर दिया। ठीक है जी। तो बहरहाल वक्फा करते हैं यहाँ पे। अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर 15 मिनट का वक्फा करते हैं, फिर आएँ फिर नेक्स्ट क्लास जो है उसको शुरू करते हैं।